फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे तड़के वाली खिचड़ी, जिसे हम तड़का खिचड़ी बोलते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं खिचड़ी। तड़का खिचड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कप चावल लिए हैं, हमने यहाँ पे इंद्रायणी चावल लिए हैं, आप कोई भी चावल ले सकते हो, और साथ में आधा कप मूंग दाल ली है, 1/4 कप उड़द दाल ली है, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई हरी मिर्ची। और तड़का देने के लिए हमने यहाँ पे 1 टेबलस्पून घी लिया है, 1 टेबलस्पून पिसी हुई अदरक और लहसुन की पेस्ट ली है, 1/2 टीस्पून जीरा और साथ में हरा धनिया लिया है। सबसे पहले हम चावल और दाल को 2 से 3 बार पानी से धो के 1 ग्लास पानी डाल के आधा घंटा भिगने देंगे। आधा घंटा हो चुका है, हमारे दाल चावल भीग के तैयार है। अब हम खिचड़ी बनाने लेंगे। खिचड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुकर गरम करके लिया है। गरम कुकर में हम 1 टीस्पून घी डालेंगे, उसमें 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट को सौते करेंगे। अब उसमें हम भिगाए हुए दाल चावल डालेंगे और नमक और हल्दी डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 1 ग्लास पानी डालेंगे। इसमें हम और 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे। ऊपर से हरी मिर्च डाल के अच्छी तरह मिक्स करके कुकर का ढक्कन लगा के 3 सीटी बजने देंगे और 15 मिनट तक कुकर ठंडा होने देंगे। कुकर हमारा ठंडा हो गया है, इसे अब हम खोल के देखेंगे। खिचड़ी हमारी तैयार है, ऊपर से तड़का देंगे। खिचड़ी में तड़का देने के लिए हमने घी गरम करके लिया है। गरम घी में हम जीरा डालेंगे, 1/2 टीस्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट डालेंगे। इसे अच्छी तरह सौते करेंगे। गैस की फ्लेम बंद करेंगे। इसमें हरा धनिया डालेंगे, इसे भी सौते करेंगे। तड़का हमारा तैयार है, इसे हम खिचड़ी में डालेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। खिचड़ी हमारी तैयार है, इसे हम सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। खिचड़ी हमारी तैयार है, ऊपर से घी डाल के दही के साथ खा सकते हैं। खिचड़ी की रेसिपी आपको कैसे लगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।